ऋतिक रोशन ने जब अपनी पहली फिल्म में दर्शकों से कहा कहो ना प्यार है, तो लाखों लड़कियों के दिल बोल पड़े हाँ तुमसे प्यार है। इनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है सन 2000 में आई थी, लेकिन आज तक ऋतिक के नाम से लड़कियों के दिल धड़कने लगते हैं। ऋतिक की दीवानी सिर्फ लड़कियां ही नहीं हैं, बल्कि सभी इनकी डांसिंग स्टाइल, लुक्स और एक्टिंग के कायल हैं। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन का आज बर्थडे है। इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर अभिनेता के लिए शुभकामनाओं का तांता बंधा हुआ है। सभी उनके लिए खास बातें लिख रहे हैं, लेकिन जिस इंसान की बातें उनके लिए सबसे खास हो सकती हैं, वो हैं उनके पिता राकेश रोशन, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने बेटे को मेन रोशन और उनसे बेहतर पिता बताया। राकेश रोशन को निश्चित रूप से अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने इस इंटरव्यू में ऋतिक और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ उनके कॉर्डियल रिलेशन के बारे में भी बात की। उन्होंने ऋतिक की तारीफ करते हुए बताया कि कैसे तलाक के बाद अदालत से बाहर निकलने पर ऋतिक ने सुजैन के लिए उनकी कार का दरवाजा खोला था, जिससे कि उनके बेटे के कैरेक्टर का पता चलता है। वे कहते हैं ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती, ये अंदर से आती हैं। इस इंटरव्यू में ऋतिक के लिए राकेश रोशन और भी बहुत सारी प्यारी बातें कहते हैं। इस दौरान उन्होंने उस घटना के बारे में भी बात की जिसमें फिल्म भगवान दादा की रिलीज के बाद उन पर कुछ लोगों ने गोली चला दी थी। वे कहते हैं मुझे नहीं पता कि उस समय ऋतिक क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन वे लगातार मेरे बिस्तर के किनारे बैठे रहते थे। मैं 4 से 5 दिनों के लिए अस्पताल में था, लेकिन सबसे बड़ा बूस्टर मेरे लिए फिल्म की सफलता थी, जिसने मुझे फिर से जीने के लिए प्रेरित किया। इसने मेरे अंदर बेटे की खातिर फिर से जीने की इच्छा को जन्म दिया। फिल्म के बारे में अच्छी खबर मिलना, ऋतिक की तारीफें सुनना, सब मुझे प्रेरणा देते थे। खैर, ऋतिक को उनके पिता की ओर से कही गई इन प्यारी सी बातों के साथ हैप्पी बर्थडे। और आप ऐसी ही अनोखी खबरों के लिए बने रहिए डेली इनसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।